आपकी पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हिंदू हिंदू कहाँ है इसमें? हिंदू हिंदू कहाँ है इसमें? लोगों को टिकट दे रहे हैं। अरे भाई तो नाम में रख लो, बनी हुई बोलो भारतीय का नाम रखो हमारी जय भारतीय भारतीय जनता पार्टी। भाजपा में नहीं थे तो भाजपा की पहला क्या नाम था? अरे कहाँ से बनी है भाजपा? अरे सर समझ लीजिए, जनसंघ हिंदुस्तानी कर लीजिए तो सेक्युलर बन जाएंगे। अरे सर सुनिए, हिंदुस्तानी कर लो, एक बात आप एक परसेप्शन समझिए। आज जितने भी जहाँ पे भी भाजपा के राज्य हैं आनंद भाई, आप वहां देखिए किसी तरीके से अगर कोई घटना हो जाती है, समझ लीजिए आप बहुत अच्छे एंकर हैं, समझदार हैं, और यहाँ पे जो आपके पैनल वो भी देख रहे हैं। अगर कोई मान लीजिए मैं हत्या करता हूँ और एक हिंदू भाई हत्या करता है, तो उसे तो उसके खिलाफ ना तो जो है एनकाउंटर, अरे भैया हिंदू ना उसके घर पे बुलडोजर, और मुसलमान है तो उसके उसके घर पे बुलडोजर, उसका एनकाउंटर। तो ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार हमें दबाना चाहती है, ये सरकार हमें दबाना चाहती है। सुनिए, आप जितना हमें मिटाएंगे इंशाल्लाह हम उतने उठेंगे, हम उतने उठेंगे। आप हमें मिटाना चाहते हैं मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करके, उन्हें राजनीति से दूर करकर। हमारी पार्टी और हम हमारे नेता हसनुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं हम अपने लोगों को नेता बनाएंगे, हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। और सुनिए, आप हमें दबाएंगे? हमें दबाने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, हमें कोई नहीं दबा सकता। हम किसी के बाप से नहीं डरते, हम किसी के बाप से नहीं डरते। सुन लीजिए कान खोलकर, सुन लीजिए बीएसपी, सुन लीजिए बजरंग दल, हम किसी के बाप से नहीं डरते। हम देश के संविधान से चलते हैं, और जो आप संविधान तोड़ने की बात करेंगे तो हम भी संविधान तोड़ने की बात कर देंगे। थोड़ा सा 10 सेकंड नहीं आप नहीं ये हमारे भाई हैं सरदार भाई, ये हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड थोड़ा शांत, थोड़ा शांत। दस सेकंड नाम शहजाद है उनका। 10 सेकंड इन्होंने कहा पूरी दुनिया में हमारे साथ लड़ रहे हैं। चलिए भारत में तो बीजेपी आरएसएस लड़ रही है, इराक में कौन लड़ रहा है, ईरान में कौन लड़ रहा है, सूडान में कौन लड़ रहा है, सोमालिया में कौन लड़ रहा है, यमन में कौन लड़ रहा है? आप ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कहीं शिया सुन्नी लड़ रहा है, कहीं ए बी लड़ रहा है, कहीं बी सी लड़ रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा हिंदुओं का एनकाउंटर नहीं होता, हिंदुओं के ऊपर नहीं होता। ये बद्दन सिंह बद्दो, विकास दुबे, शोभम मुड़नवाल, D27 गैंग के मनमोहन, राकेश सिंह, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, बबलू श्रीवास्तव, श्रीकांत त्यागी जिसके घर पे बुलडोजर चला था, पंकज त्रिपाठी जिसके घर पे बुलडोजर चला था, ये कौन है? और 183 एनकाउंटर में से 126 हिंदू थे। ठीक है, 126 ठीक है। महाराज बोलिए, महाराज बोलिए, बोलिए, महाराज धनंजय सिंह पे कब चलाओगे? राजा भैया पे कब करोगे एनकाउंटर? कब उसकी जमीन पे बुलडोजर चलाओगे? उदय भान सिंह पे कब चलाओगे? अशोक चंदेल पे कब चलाओगे? अरे इनका सर पैटर्न है, पर मुसलमानों को दबाना है, मुसलमानों पे जुल्म करना है। समझिए, मुसलमान का लफ्ज बिना लिए भाजपा कोई चुनाव नहीं जीत सकती। मैं कह रहा हूँ हमें लोग जो है हमारा नाम लेकर मुसलमानों के नुमाइंदे, आप मुसलमानों के नुमाइंदे बन के आए हो या AIMM के? मैं दोनों बातें एक ही हैं। मेरी बात सुनिए आनंद जी, आप AIMM का नुमाइंदा हूँ, देश का बंदा हूँ सर। आप मैं इंडियन मुसलमान हूँ, ये बताइए मैं इंडिया का मुसलमान हूँ। किस पार्टी? मैं फर्जी नहीं हूँ। किस पार्टी से? मैं MIM पार्टी से हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ उसका। आपको बुलाया कैसे? पता चलता है आपको बुलाया किस लिए? जी न्यूज़ वालों ने बुलाया। किस लिए बुलाया? डिबेट के लिए बुलाया। किस हैसियत से? MIM के प्रवक्ता के तौर पे बोला। MIM के प्रवक्ता के तौर पे बोल रहा है, तो बोलते रहे हम मुसलमान, हम मुसलमान। या तो डिक्लेयर कर दीजिए, कह रहे हैं ना ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप जो पार्टी में मुसलमान है। ठीक है, अरे भैया है संविधान के अनुसार बनी क्लियर है, क्लियर है मामला। चलिए सबकी पार्टियों का नाम होगा, क्लियर है पार्टी का भी नाम। आप कंफ्यूजन नहीं, अब बातें आप नहीं करेंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। जुनेदारी साहब मुझे बताइए जरा कि मैं वापस चर्चा पे आता हूं, मुझे बताइए जरा कि राशिद अलवी जैसे किरदारों के कहने पर जो कि शंभू मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, अगर कुछ कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आते हैं तो बदनाम तो एक आम मुसलमान भी होगा। एक नैरेटिव गढ़ दिया जाएगा कि भाई मुसलमान जो हैं वो दंगई होते हैं या कट्टरवादी होते हैं। इस बात का कष्ट नहीं होगा क्या हाजी आपको, जुनेदारी साहब? देखिए, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी सी बात जरूर कर रहा हूँ कि जो भी संविधान की धज्जियां बिखेरने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जनता बहरहाल एक उसका दायित्व तो भी बनता है कि उसके खिलाफ सड़क पर उतरे। तो ये तो बिल्कुल अलग चीज है, मैं किसी गृह युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हम सबसे ऊंचा संविधान को मानते हैं, और संविधान के हवाले से
अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें बहरहाल जनता जुनेदारी साहब, मैं चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दर्शकों के सामने रखता हूं और फिर आप अपना पक्ष दीजिएगा। राशिद अलवी जिस संदर्भ में बात कर रहे थे, एक मस्जिद पर अवैध बिल्डिंग्स बनाई गई थी, कुछ इमारतें जो कुछ उसके फ्लोर्स हैं वो अवैध बनाए गए थे, उन अवैध फ्लोर्स को हटाने की मांग होती है। मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं वो भी इस बात को मान जाते हैं और खुद ही उसको हटाने की वो जो सिफारिश है वो कर भी देते हैं। यहां तक मामला क्लियर था, चीजें अवैध थी, अवैध चीजों को हटाया जाना था। इसी को संदर्भ में लाते हुए राशिद अलवी कहते हैं कि इस्लामिक देशों में मंदिर बन रहे हैं और बीजेपी शासित राज्यों में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं तो गृह युद्ध हो जाएगा। क्या जुनैद हैरिस अपनी निजी क्षमता में इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं? हिमाचल की जिस मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उसके खिलाफ जिस तरह के नारे लगे, जिस तरह से पब्लिक ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, वो बिल्कुल गलत था। लेकिन मस्जिद इंतजामिया ने जो काम किया कि ये अवैध निर्माण जो है ये चूंकि वहां की उसके खिलाफ इस वजह से हम उसको हटाने के लिए तैयार हैं, ये इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी बात है। और बुनियादी सवाल मेरा उनसे वही है, सर राशिद अलवी के बयान से सहमत हैं कि असहमत? ये जलेबी बना रहे हैं, उसका स्वीकार करते हैं कि उसकी भर्त्सना करते हैं? ये कौन बोल रहा है? ये विनोद बंसल बोल रहे हैं विश्व हिंदू परिषद से। सर तो वो एंकर हैं या आप एंकर? मैं ही हूँ सर, बुनियादी सवाल मेरा वही है। आप क्या चुप रह सकते हैं? अच्छा मिर्ची लग गई, लग गई मिर्ची आपको? एक सेकेंड विनोद जी टॉपिक पर रहते हैं, टॉपिक पर रहते हैं, पर्सनल एलिगेशन पर नहीं जाते हम लोग सर। बिल्कुल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। Z News.